अरे ले जा सर जबरदस्ती करके बिहानी के लिए आ जाता है। ये बरात प्रेस मंडल थी, मीरा मंदिर मंडल थी, मुश्किल होगी। सहेली भेजी उसकी माँ ने के जाए मीरा को बुला कर लाओ। वे जाकर कहने लगी, ये मीरा तेरी शादी है, तेरी बरात आई बैठी है और तू वे मंदिर में है कि क्या थी बरात कि तेरी शादी नहीं कि ना मेरी शादी तो बहुत दिन पहले हो चुकी है। बोलिए हमने कर देना बंद बड़े खाए तेरे कद हो गया तेरा ब्याह कि चलो मेरी माँ के पास। सहेलियों के साथ घर आ जाती है, कह तेरी माँ मेरी शादी नहीं की तने कि ना क्या झूठ बोलती है। तो अपनी सहेलियों को संबोधित करती हुई वह मीरा अपनी माँ को क्या कहती है, मेरे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा से डर गए, वे पति का प्रेम भुलामन लगे घटाना करी पे
ताकत पूजा बीस थी बनना जायक मंदिर पूजाने ब्रात सजी संगत थी मैं बदियो कौन करे का समझा मरिया माथी बनना ते बनरी प्याजाव जिने पति की साथी ओ मैं बनी मेरा कौन पति जट हाथ लग्या गिर धरी के पति कबरे कंपटीशन नहीं है ये तो जैसे कि हमारे गुरुजी तुलराम थे सदा उम्र से बच्चा था जब भी मैं चाचा कहता है क्यों सब लोगों को नहीं बेरा मैं चाचा क्यों कहूं इसने लक्ष्मीचंद के फूफा चेला है रामदत्त का और तुलराम का तुलराम के फूफा लक्ष्मीचंद के जीजा चेला है मेरे चाचा जी हैं ये मेरे पिताजी हैं गुरुजी भी हैं बराबर रखता हूँ मैं मान सम्मान कोई कंपटीशन नहीं मैं तो इनसे सीखता हूँ सर कैसे गाना होता है मतलब उठा दिया तुम दूसरी बात मैं कैसे क्या बता क्या कहा
अब तुम मेरे को भाई के क्यों पुकारती है, क्या नाता करती है? मैं तेरे को ब्याहने के लिए आया। नौकर लागी महाराज, मेरी माँ ने जो विधि बताई, जो मेरी माँ ने मेरे को समझाया है, मैं उस नाते को कबूल करती हूँ। उस नाते पर चली आ रही हूँ। कौन सा नाता तेरा? और नाते रिश्ते बताती है कैसे? मेरी माँ ने बेटी बताई, मैं बोलू तन भाई के तू क्यों करे अंधाई, जे गैरत खा के मरगी ते जे थूके लोग लुगाई रे भाई रे। बतावे और डाल के नेग नवाईसी बेहुदी मार ही।